ट्वेल्थ वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री में मैं यूनिट 7 पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आज ये आपका कौन लास्ट लेक्चर है जो आप आज पढ़ोगे। आज आपका लास्ट लेक्चर है जिसमें आपको हाइड्रोजन क्लोराइड तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। दिस इज़ योर लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आज आप पढ़ोगे इंटरमोलिकुलर, दिस इज़ द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड्स हैविंग द सेम ऑक्सीडेशन नंबर, इन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, सेम होती है हैलोजन एटम से, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटोमिक नंबर। हैलोजन एटम डिक्रीज जब होता है किसके साथ, जब एटोमिक नंबर आपकी इंक्रीज होती है, दैट इज विद द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम भी क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेटर टेंडेंसी टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन, लेसर टेंडेंसी टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर हैलोजन एटम, द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग ऑक्सीसिड्स इंक्रीजेस। दिस इज द एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लोरी प्रोस्टेट कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्सुगेटेड बेस। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स कंटेनिंग टू आर मोल हैलोजन, जैसे एक्स एक्सटेंशन जनरल फार्मूला एक्स इक्वल टू लार्जर साइज एंड एक्सटेंशन इक्वल टू स्मॉलर साइज। टाइप क्या होती है, न्यूट्रल इंटर हैलोजन, जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग टू आर मोर हैलोजन, वन क्लोरिन बी आर एफ फाइव आई एफ फाइव एंड आई एफ सेवन। इंटर हैलोजन सेलेनॉइंस एंड कटाइंस क्या होते हैं, दीज मे बी पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज, आई सी एल टू निगेटिव आई सी एल फोर निगेटिव। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ इंटरचेंजेस कंपाउंड्स पोलर नेचर, द पोलरिटी इज ड्यू टू द डिफरेंस इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन टू हैलोजन एटम्स। फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट एज गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड्स। रिएक्टिविटी क्या होती है, जनरली मोर रिएक्टिव देन द कंपोनेंट्स हैलोजन्स। एंड थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आई एफ की होगी बी आर एफ। एंड द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होती है, 1.5 1.2। स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन इंटर हैलोजन्स कंपाउंड जो कॉमन है, जैसे सी एल एफ थ्री टी शेप्ड आई एफ फाइव स्क्वायर पिरामिडल एंड आई सी एल फोर नेगेटिव स्क्वायर प्लानर, आई एफ सेवन जो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉमन वही आपका है। यूजेस ऑफ इंटर हैलोजन्स कंपाउंड यूज्ड इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे यूज करते हैं। इंटर हैलोजन्स कंपाउंड जो होते हैं फ्लोरिन आर यूज होते हैं फ्लोरिनिंग एजेंट्स। स्यूडो हैलोजन्स जो हो गए, स्यूडो हैलाइड सी एन नेगेटिव साइनाइड सी एंड थायोसाइनाइड साइनेट। और स्यूडो हैलोजन्स में आपका साइनोजन थायोसाइनोजन ऑक्सीजन। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरिन क्या होती है, वेरी स्मॉल साइज होती है, इसकी साइज स्मॉल होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरिन, फ्लोरिन सोड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओनली -1, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरिन मॉलिक्यूल्स इज लेस देन अदर हैलोजन। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द लिक्विड वेयर एज द अदर आर द गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ओनली फ्लोरिन कैन द फ्रॉम आयनिक फ्लोराइड्स, केवल फ्लोरिन ही आयनिक फ्लोराइड्स फॉर्मेशन करते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैसेस, इसमें क्या होता है, हीलियम नियोन ऑर्गन क्रिप्टोन जिनोन एंड रेडोन। दीज गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर डू नॉट हैव केमिकल रिएक्टिविटी, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन नहीं करते एंड आर कॉल्ड द इनर्ट गैसेस। दी आर नाउ कॉल्ड नोबल गैसेज एज अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैव बीन मेड विथ जिनोन एंड द क्रिप्टोन। बिकॉज ऑफ द लो अबेंडेंस ऑफ दीज गैसेस ऑन अर्थ दे आर द ऑल्सो नोन एज रेयर गैसेस, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रेयर गैसेस भी कहते हैं। अकरेंस ऑफ नोबल गैसेस ड्यू टू देयर इनर नेचर दे ऑलवेज अकर फ्री इन स्टेट, इनर नेचर के कारण ये ऑलवेज क्या पाए, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट रेडॉन, रेडॉन को छोड़कर। ऑल दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमोसफियर इन द एटॉमिक स्टेट। हीलियम इज प्रेजेंट इन द न्यूट्रल गैस 2-7%। हीलियम एंड नियोन फाउंड इन द स्मॉल क्वांटिटीज इन द मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड इट्स यूजेस क्या है, नियोन ऑर्गन क्रिप्टोन एंड जिनोन आर ऑब्टेन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द लिक्विफिकेशन ऑफ एयर एंड सेपरेशन बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस मेथड बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड नोबल गैसेस।
हीलियम जो होती है कॉमर्शली ऑप्टेन किया जाती है नेचुरल गैसेस से, जैसे रेडोन इज ऑप्टेन इज द डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियन। एंड जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 18 कॉन्फ्रिगेशन आपको आता है हीलियम को छोड़कर, ऑल नोबल गैसेस जो होते हैं सभी की क्या होती है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस सेल में, तो इसके कॉन्फ्रिगेशन क्या होता है NH2NP56। इनर्ट नेचर ऑफ नोबल गैसेज ड्यू टू दिस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन के कारण होती है। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑल आर मोनो एटॉमिक कलरलेस एंड ऑडरलेस गैसेस होती है। एटॉमिक रेडियस वैन डर वाल्स रेडियस आर प्रेजेंट होते हैं। द एटॉमिक रेडियस कीप ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, जैसे रिडोन हो गया जिनोन हो गया, डाउन टू ग्रुप क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इसमें दे हैव द जीरो वैल्यू फॉर EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। दिस इज बिकॉज ऑफ फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन, किसके कारण, फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन के कारण। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट इन आइटम इन देम। हीलियम हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4.2 केल्विन। ईज ऑफ द लिक्विफिकेशन, दे आर नॉट ईजली लिक्विफाइड, दे हैव लो वैल्यूज ऑफ द हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रैंडम। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होती है, दीज आर द स्लाइटली सोलोबल इन वाटर, ये वाटर में स्लाइटली सोलोबल होते हैं जैसे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रेडॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल नोबल गैसेस आर कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होते हैं। ऑल नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक, दे आर द स्प्रैंगली सोलोबल इन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, द इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, दे हैव द कम्प्लीटली फिल NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन इन देयर वैलेंस सेल। ये क्या होती है, कम्प्लीटली फिल होते हैं इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज और जीरो और पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जीरो होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। इन मार्च 1962 नील बार्टले मेड द फर्स्ट कंपेयर ऑफ PtF6 विद द मोलिकुलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड द जीनोन हैव सिमिलरिटीज, ऑक्सीजन और जीनोन में क्या होती है, सिमिलरिटीज पाई जाती है। मोलिकुलर डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ जीनोन आर सिमिलर, और बार्टले रिएक्टेड विथ जीनोन एंड PtF6 टू फॉर्म ऑरेंज येलो सॉलिड। दी थ्री देयर आफ्टर नंबर ऑफ कंपेयर वर फॉर विथ जीनोन। कंपाउंड्स ऑफ जीनोन, जीनोन क्लोराइड्स XeF2, XeF4, XeF6, जीनोन डाईफ्लोराइड XeF2, प्रिपरेशन X+F2, निकेल वेसल्स 673 केल्विन 1 बार पर XeF2 2:1 रेशियो में। स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके, इसके स्ट्रक्चर SP3 डीहाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, लीनियर स्ट्रक्चर। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं जीनोन प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। जीनोन क्या होते हैं, टेट्रा फ्लोराइड होते हैं XeF4, तो इसमें 1:5 की रेशियो में रिएक्शन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ क्या रिएक्शन करती है, XE+SF4 SF+ एक्सप्लोसिव प्लस ऑक्सीजन। एट 80 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड। 80 डिग्री सेल्सियस पर जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है XeOF2। जीनोन हेक्सा फ्लोराइड XeF6 प्रिपरेशन होता है 1:20 रेशियो में। यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन क्या होते हैं, अंडरगो सो हाइड्रोलिसिस विथ एटमोस्फेरिक मॉइस्चर XeF6+ वाटर XeO3+ SF एस। अगेन जीनोन ऑक्साइड जैसे स्ट्रक्चर हो गया, पिरामिडल होता है XeO3 का, XeO4 का टेट्राहेड्रल होता है, XeOF2 का T-shaped में होते हैं। एंड द स्क्वायर पिरामिडल होता है XeOF का, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है XeO2F2 का। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस क्या होते हैं, फर्स्ट यूजेस हीलियम,
यूज फॉर फिलिंग बैलून्स ऑफ मेटलॉजिकल ऑब्जर्वेशन. हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर इज यूज टू एग्जिस्ट ब्रीदिंग इन आस्थमा. लिक्विड हीलियम इज यूज टू द क्रायनोजेनिक फ्यूल. इज यूज फॉर क्रिएटिंग इनर्ट एटमोसफियर ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ मैग्नीशियम एंड एलमोनियम. नियॉन क्या होते हैं? फिलिंग डिस्चार्ज ट्यूब फॉर ऑप्टिकल. ये सारे इसके यूजेस हैं. तो नियॉन ऑर्गन एंड क्रिप्टॉन जिनॉन ये सारे आप यूजेस पढ़ लीजिए. ओके क्लास, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ. ओके क्लास, थैंक यू.